हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस राइटर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस राइटर की है। कभी कभी जबकि हम उबंटू के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो वहाँ पर हमें ओपन ऑफिस ही मिलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में एमएस ऑफिस नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए अगर आपको टेबल इंसर्ट कराना, कहाँ आपको जाना चाहिए, तो हमारी आदत पड़ी होती है विंडोज यूज करने की और हम सीधा चले जाते हैं इंसर्ट टैब पर। जैसे इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो यहाँ आपको कोई टेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन भी दिखाई पड़ेगा, तो आपको एक अलग से टेबल मेन्यू दिया गया है यहाँ पर। तो ये टेबल मेन्यू पे जाइएगा या शॉर्टकट की कंट्रोल और F12 का यूज कीजिएगा। तो जैसे ही कंट्रोल F12 प्रेस कीजिएगा आप, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी इंसर्ट टेबल वाली। ठीक है, आपको किस तरह की टेबल चाहिए यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके से ये दिया गया है। तो किस तरह की टेबल आपको आपको जरूरत है, टेबल की जरूरत है आपको, तो ये देख लीजिए आप। और फिर यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कलर वगैरह बाद में बदलेंगे हम लोग, लेकिन अभी केवल ये समझते हैं कि अब हमें करना क्या है। देखिए जैसे ही टेबल इंसर्ट होगी तो कई बार क्या होता है कि अब इसमें मान लीजिए नीचे एक टेबल एक कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो क्या करते हैं कि पूरा इसको सिलेक्शन में लेते हैं। आदत पड़ी होती है हमें ऑफिस पर काम करने की, तो या तो बाहर क्लिक कर देते हैं या पूरा सिलेक्शन में। तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं शो करता है। ऑप्शन कब शो करेगा, जब इस टेबल के बीच में क्लिक करेंगे। तो नीचे ये देखिए ये वाली विंडो आ गई है। ठीक है, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये विंडो हट जाएगी। तो इस यहाँ पर भी आपको इंसर्ट कराना हो लेफ्ट राइट, तो उस वाले सेल में क्लिक कर दीजिए। कर दिया, अब यहाँ पर देखिए ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये पहला ऑप्शन है रो अबव, यानी अगर आपको ऊपर रो चाहिए तो ऊपर रो इंसर्ट करा लीजिए। तो ये देखिए रो बिलो, एक रो नीचे चाहिए तो नीचे इंसर्ट करा लीजिए। फिर ये देखिए रो कॉलम बिफोर, मतलब इसके पहले कॉलम चाहिए तो कॉलम इंसर्ट करा लीजिए। क्लिक कर देते हैं कॉलम बिफोर पे, ये क्लिक कर दिया। देखिए एक और कॉलम बन गया इसमें, देखिए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये दिया हुआ है कॉलम आफ्टर। अगर आफ्टर यानी इसके बाद आप चाहते हैं तो बाद बना लीजिए। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्टेड रो को, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट कर पाएंगे। ये देखिए एक कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन ही बचे ना, पहले चार था, तीन ही हो गए, तो कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल ही डिलीट करना हो तो टेबल भी डिलीट करा सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे मर्ज करना चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये पूरा मर्ज हो गया है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब अनमर्ज हो गया, एक इसके पीछे चले गए हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टेबल वाला हिसाब किताब कुछ इस तरीके का है। अच्छा, आप ये चाहते हैं ये टेबल जो बना हुआ है इसको पूरा सिलेक्शन में लेकर के हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको डार्क में लेके आना, तो ये देखिए ये डार्क में हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, अब देखिए कहाँ पे गया था मैं, ये देखिए ये जो है ना ये बॉर्डर्स, तो यहाँ पे जाइएगा तो ये डार्क में दिखाई पड़ेगा, ये पूरा बॉर्डर बन जाएगा इसके चारों तरफ। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।